नमस्कार, सच कहूं मैं आपका स्वागत है। जिस प्रकार से पूरे देश में मोदी की लहर से विपक्ष का सफाया होने की कगार पर स्थिति आ गई है, पंजाब में फिर से कांग्रेस अपना किला बचाने में कामयाब रही है। इसका श्रेय कैप्टन अमरिंदर को जाता है या राहुल गांधी को, यह बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के नतीजे क्या हैं उस पर आपको बता दें कि ये जो रुझान थे अब लगभग 3 बज चुके हैं और रुझान ये कहीं ना कहीं तस्वीर साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 9 पर कांग्रेस को क्लीन जीत नजर आ रही है, वहीं एनडीए 3 सीटों पर जीत हासिल करता नजर आता है। अदर यानी आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आती है। गुरदासपुर से सनी देओल लीड कर रहे हैं, अमृतसर से गुरजीत सिंह औजला आगे हैं, वहीं जसबीर सिंह गिल डिम्पा के नाम से मशहूर है, खडूर साहिब से आगे हैं, संतोख सिंह चौधरी जालंधर से आगे निकल रहे हैं, राजकुमार चब्बेवाल हैं होशियारपुर से, ये आगे निकल रहे हैं, ये कांग्रेस के हैं, मनीष तिवारी कांग्रेस के हैं, ये आनंदपुर साहिब से आगे निकल रहे हैं, रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के हैं, ये लुधियाना से आगे निकल रहे हैं, अमर सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, फतेहगढ़ साहिब से आगे निकल रहे हैं, मोहम्मद सदीक हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से आगे निकल रहे हैं फरीदकोट से, सुखबीर सिंह बादल एक बड़ा नाम था अकाली और बीजेपी संयुक्त गठजोड़ का और पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये अपनी सीट अच्छी तरीके से बचाने में कामयाब हो गए हैं, लगभग 2 लाख की लीड से ये आगे निकल रहे हैं। फिरोजपुर से ये आगे हैं, इनकी धर्मपत्नी हरसिमरत कौर बादल जिनके मुकाबले में राजा वड़िंग को उतारा गया था और काफ़ी टफ मुकाबला था, लेकिन फिलहाल ये कुछ मार्जिन से अभी आगे चल रही हैं बठिंडा से, और एकमात्र आम आदमी पार्टी के लिए होप जो है भगवंत मान है और वो संगरूर से आगे चल रहे हैं अपने राइवल्स के साथ, और लास्ट में परनीत कौर जो पटियाला से महारानी परनीत कौर के नाम से मशहूर हैं, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाइफ हैं, ये पटियाला से लीड कर रही हैं। फिलहाल के नतीजों में देखा जाए तो कांग्रेस जो है 9 सीटों पर पंजाब में आगे है, जबकि जो अकाली और बीजेपी का ये जो गठजोड़ है ये 3 सीटों पर और आम आदमी पार्टी का केवल मात्र 1 सीट यानी संगरूर से भगवंत मान आगे हैं।